बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ही मैं पैकिंग की वीडियो लेके आई हूँ कि हमने शादी पे जाने के लिए किस तरह से पैकिंग की, सारा कुछ किया। आप लोगों ने ये जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। जो मैं चैनल पर नहीं हूँ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चैलेंज टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो जी वहीं से मैंने स्टार्ट किया जहाँ से लास्ट वीडियो का एंड किया था। तो जैसे कि वो हमारा बैग पैक हो चुका था, तो ये नेक्स्ट बैग हमने पैक किया था। इसको पैक जब कर रहे थे तब मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, लेकिन ये बैग जब भर गया मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें जी, हमारा फुल बैग जो है सिर्फ जूतों से भरा था, क्योंकि उसमें हम जूते लग रहे थे, जूते आ नहीं थे रहे। इस वजह से फिर मैंने बोला कि जूते अलग बैग में रखते हैं। तो जब अलग बैग में रखे तो फुल बैग जो है ना, हमने सोचा था कि मेकअप भी इसके अंदर रख लेंगे, लेकिन जो है ना ये फुल बैग जो है ना हमारा जूतों से ही भर गया था सबके। माशाल्लाह से हम पांच लोग थे, पांच लोगों के चार चार दिन के जूते, और आम घर में पहनने के लिए भी एक एक रखा था। तो वो कुल मिला के हमारे माशाल्लाह से इतने जूते हो गए थे कि फुल बैग हमारा जो है ना जूतों से भर गया था। तो मुझे खुद देख के हंसी आ रही थी, मैं आप ही को बोल रही थी कि आप ही हमारा एक फुल बैग जो है जूतों से भर गया था। उस आप ही भी हंस रही थी, मैं भी, मामा घर नहीं थी, मामा जो है ना भाई के साथ बाजार गई थी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही वेडिंग शॉपिंग सीरीज़ वाली जो वीडियो है, जिसने देख लिया बहुत शुक्रिया, जिसने नहीं देखी वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, फुल सीरीज़ है वेडिंग शॉपिंग की। तो उसको अगर आप देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि शादी किसकी है और किसकी शादी की हमने इतनी तैयारियाँ की और क्या क्या शॉपिंग की, वो सारा कुछ आप लोगों को उन वीडियो में पता चलेगा। इसलिए आप लोग वो वीडियो लाजमी वॉच करिएगा। तो उसमें भी मैंने बताया था कि जो है ना भाई की शेरवानी और भाभी की मैक्सी रह गई थी, तो वो लेने के लिए भाई आए थे, तो मामा उनके साथ गई थी। तो मामा ने बोला कि आप सारी पैकिंग कर लोगे, कंप्लीट होगी तो हम भाई के साथ चले जाएंगे, अगर ना कंप्लीट हुई तो फिर भाई हमारा कुछ सामान जो है ना वो ले जाएगा। इस वजह से हम कोशिश कर रही थी दोनों बहनें कि हमारी सारी पैकिंग कम्प्लीट हो जाए तो हम जो है ना भाई के साथ ही चले जाएँ। तो इस वजह से पहले एक बैग हमने पैक किया, उसके बाद जी दूसरा बैग पैक किया, दो बैग हमारे फुल पैक हो गए थे। उसके बाद जी अब बारी आ गई थी कपड़ों के, जो है ना बैग वो रह गए थे, कपड़े सबके अभी रखने वाले थे, जूते भी लग गए थे, मेकअप ज्वेलरी और जो है ना बैग हमारे वो भी लग गए थे, क्योंकि वो जो है ना वो तो आराम से रखे जाए, लेकिन कपड़े जो है उनको प्रेस करना, उनको तेल लगाना, उनको सारे कंप्लीट करना हर चीज़, इस वजह से जो है ना कपड़े पहले सारे हमने इकट्ठे किए एक जगह पर। आप ही ने फिर जो हमारे कैजुअल पहनने वाले कपड़े थे, जो आम हमने घर में पहनने थे लोन वगैरह के कपड़े, उनको आप ही ने जो है ना सारे प्रेस किए, और मैं जो है ना साथ में यहाँ पे जो है ना रखती जा रही थी, क्योंकि पहले दोनों बैग आप ही ने पैक किए थे, फिर मैंने कहा लो ये वाला मैं करती हूँ, तुम साथ साथ जो है ना और काम कर लो। फिर आपने बोला चलो मैं कपड़े प्रेस करती हूँ, तो आप ही कपड़े प्रेस करने लगी और मैं जो है ना यहाँ पर सारा जो है ना सामान इकट्ठा करके रखा। रखने के बाद जी आप जो है ना सारे बैग, जितने भी हमारे फैंसी ड्रेस थे वो भी, और जितने कैजुअल ड्रेस थे वो भी, सारे जो है ना हमने वो प्रेस किए थे। और ये जो फैंसी है ना ये प्रेस नहीं थे, खैर हमने किए कि ऑलरेडी प्रेस थे, मतलब कि जब स्टिच वगैरह हो गए थे तो प्रेस थे। इस वजह से हमने इनको जो है ना हमने मंगवाए हुए थे रैपिंग बैग, जिनके अंदर जैसे कि हम बाज़ार से कपड़े वगैरह लाए तो वो जिसके अंदर रैप करके देते हैं ना, वो वाले हमने बैग मंगवाए थे पैकिंग वाले, उसके अंदर हम पैकिंग करके लेके जा रहे थे, ताकि एक दूसरे के साथ अटक अटक के जो है ना कपड़े ख़राब ना हो, क्योंकि काम वाले जो कपड़े होते हैं वो बहुत जल्द जो है ना एक दूसरे के साथ अटकते हैं, तो जो है ना ख़राब होने का डर होता है। इस वजह से जितने भी हमारे कपड़े थे ना सारे हमने इस तरह से जो है ना पैकिंग के अंदर पैक किए थे। तो फिर यहाँ पे मैं जो है ना सारे कपड़े वगैरह पैक कर रही थी, तय वगैरह लगा के, और आप ही जो है ना वो सारे कपड़े बाहर प्रेस कर रही थी। तो हम दोनों बहनें इसी कोशिश में थी कि हमारी जो है ना सारी पैकिंग जो है ना कम्प्लीट हो जाए, तो फिर हम जो है ना आज चले जाएँ, क्योंकि शादी से ना हम सोच रहे थे कि दो दिन पहले हम चले जाएँ, हमारा जो है ना काम सारा ख़त्म हो जाए। आज फिर हमने सोचा कि चले ही जाते हैं, तो सारी जो है ना पैकिंग वगैरह आज हम कर रहे थे। अभी हमारे दो सूट जो है ना वो दर्जी के पास थे जो कि सिलाई होने वाले थे, तो हम मैं उनको भी बोल के थी, मैं कि आंटी आप जो है ना जल्दी जल्दी हमारे जो जो उनसे कपड़े रह गए हैं वो स्टिच कर दें, क्योंकि जो है ना आज भाई आए हुए हैं तो हमने उनके साथ चले जाना है। तो वो कह रही थी ओके मैं कोशिश करती हूँ फुल। उनके पास ना मामा के दो ड्रेसेस थे, जो कि मामा ने एक लोन का ड्रेसेस था और एक फैंसी दो ड्रेसेस थे, दोनों जो है ना अभी स्टिच होने वाले थे। हमारे सारे आगे हुए थे, मम्मा के भी कुछ आगे हुए थे, हाला लोगों के भी जो इधर सिलाई हुए थे वो भी आगे थे, सबका जो है ना सारा सामान आ गया हुआ था। तो ये सारा जो घर हमारा ना ये सामान का भरा हुआ था फुल, जो अभी हम जो है ना पैकिंग कर रहे थे यहाँ पे। फिर मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही कि कौन से ड्रेसेस जो है ना किस तरह से करूँ, तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो सबसे पहले जो है ना इनको साइड पर लगाती हूँ, कुछ सामान जो है ना
वो हाला का मतलब के जो हम लेके आए थे लास्ट डेज में, हालाबाद में नहीं थी आई जो मैंने वीडियो शेयर किया, उसके बाद जो भी बाज़ार से कपड़े वगैरह उनके लाने वाले थे या चीज़ें वगैरह लाने वाली थी वो हम लाते रहे थे जो ऑर्डर किए हुए थे। उसके अलावा और भी जो इस तरह की कोई चीज़ थी, आप ही आई थी उनके बच्चों के कपड़े ऑर्डर दे के आए थे, फिर बाद में वो जो लाने वाले थे वो हमने शादी पे लेके जाने थे वो भी फिर हमारे घर पड़े हुए थे वो भी हमने लेके जाने थे। इस तरह से और भी जितनी चीज़ें थी जो जो हमने शादी पे लेके जानी थी दूसरों की भी वो भी हमारे पास थी। बड़ी हल्ला थी उनकी भी, भाभी की ज्वेलरी वगैरह थी और चीज़ें वगैरह थी इस तरह से जो है ना वो भी हमारे पास पड़ी हुई थी। इस तरह की चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है ना हमारे पास थी वो हमने लेके जानी थी शादी पे। वैसे ना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सामान था तो हमने सोचा था कि भाई के साथ अगर गाड़ी में जाएंगे ना तो बेहतर ये रहेगा कि सारा सामान आराम से ले जाएंगे, अगर देखते हैं अगर तो हम भाई के साथ चले गए तो बेस्ट रहेगा, अगर ना गए तो फिर जो है ना हम फिर बाद में गाड़ी पे जाएंगे, ये भी सोचा हुआ था। फिर यहाँ पे जो है ना मैं जितने भी हमारे कपड़े थे सारे तय वगैरह लगा के पैकिंग में कर लिए। उसके बाद जी जो भाभी के कपड़े लेके जाने थे, हाला के कपड़े लेके जाए, हाला का आर्ट ड्रेस मिलना था, मामा जो भाई के साथ गई थी ना तब लेके आना था मामा ने, तो इस वजह से जो है ना वो अभी आने वाला था। बाकी जितने भी भाइयों के हम लेके आए थे, भाभी के सारे हम लेके आए थे ना, वो सारे ड्रेस वगैरह वो भी मैंने साइड पे किए। मैं यहाँ से सामान उठा उठा के इस तरह से कर रही थी कि जो हमारा ड्राइंग रूम है उसमें रखती जा रही थी ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ये सामान हमने लेके जाना है, मस्ट हमने लेके जाना है, क्योंकि कोई भी चीज़ छूट गई तो कोई भी वापस लेने के लिए नहीं आएगा। इस वजह से जो है ना हमें ये थी कि हर चीज़ ज़रूर ज़रूर चली जाए, ये ना हो कि कोई चीज़ एक चीज़ भी रह गई ना तो फिर जाके प्रॉब्लम हो जाती है। जब शादी वगैरह पे पहननी हो, कोई जूता रह गया या कोई कपड़ा रह गया या कोई भी चीज़ इस तरह से रह जाए ना या किसी की रह गई, तो यही टेंशन थी कि सारा सामान चला जाए, ये ना हो कि कोई भी चीज़ जो है ना इधर रह जाए। अभी फिर जी तकरीबन मेरी सारी पैकिंग हो चुकी थी कंप्लीट, मतलब कि जो मैं पैक कर रही थी कपड़ों वगैरह को सबको मैं पैक कर करके इस तरह से ना इसके अंदर ही रखती जा रही थी ताकि सारे इसके अंदर ही रखें ताकि कोई भी इधर उधर ना फेंका जाए। इस वजह से फिर मैंने सारे पहले इसके अंदर रखे, आप ही ने भी जो प्रेस करती जा रही थी वो भी ला ला के ना इधर मेरे पास रखती जा रही थी कि इसी जो बैग है ना इसके अंदर ही अब हमने फुल करने थे कि इसके अंदर ही आए, इसके अलावा जो है ना एक्स्ट्रा ना बने। इस वजह से जो है ना सारे मैं इसके अंदर पहले मैंने इस तरह से, फिर आप ही कहती है नहीं इस तरह से रखो, फिर मैंने जो है ना सारे बाहर निकाले, निकाल के फिर इनको जो है ना इस तरह से मैंने रखा के जो है ना सारे अच्छी तरह से आने। फिर हमारे जितने भी फंक्शन वाले कपड़े थे, मामा के, मेरे, आपी के, हम तीनों के जितने भी चारों दिन के कपड़े थे ना वो सारे हमने इस तरह से एक ही तह में लगाए कि ताकि यहाँ पे जो है ना ये कंप्लीट एक तरफ ही आ जाए। हमें था कि एक तरफ ये वाले फैंसी कपड़े आ जाएँ, दूसरी तरफ जो है ना हम कैजुअल कपड़े जो है ना रख लेंगे। अगर भाई और अशर फातिमा के भी कोशिश करेंगे जो फंक्शन पर पहनने वाले हैं ना वो इसी में आए, जो कैजुअल पहनने वाले हैं ना वो हम अलग से छोटा बैग बना लेंगे। इस वजह से जो है ना हमारी फुल कोशिश यही थी कि इसी के अंदर जितने भी हमारे कपड़े आ सकते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि ये सबसे बड़े वाला बैग था, इससे छोटे वाले में हमने ज्वेलरी और जो है ना बैग वगैरह और इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी वो रखी थी, और उससे छोटा जो है ना वो हमारा फुल जो है ना जूतों से भर गया था, जिसमें हमने सोचा था कि मेकअप भी उसके अंदर रख लेंगे, लेकिन मेकअप तो आया नहीं है, वो अकेला बैग जो है ना वो जूतों से भरा था। लेकिन ये है कि हमने कोशिश की थी कि सारा जितना भी सामान है ना हमारा इन्हीं तीनों बैग में आ जाए। इसके अलावा एक छोटा हमारे पास और कैरी था, फिर हमने जो सोचा कि अशल और भाई के जो है ना उसमें रख लेंगे ताकि किसी के भी ढूंढने में मुश्किल ना हो। भी हमारे फैंसी कपड़े थे वो सारे जैसा कि मैंने पहले बताया वो एक ही लाइन में सारे आ गए थे, सिर्फ चदर वगैरह लगी थी। उसके बाद मैंने भाई के कपड़े जो है ना रखने स्टार्ट किए थे, अभी तो साथ ही जो है ना मम्मा की कॉल आ गई, मामा कह रही हैं जी मैं आ रही हूँ वापस, हमारा बाजार से काम खत्म हो गया, आपकी पैकिंग हो गया कि नहीं। मैंने कहा नहीं अभी बिल्कुल भी नहीं हुई, अभी हाफ जो है ना पैकिंग कंप्लीट हुई है। तो मामा कहती हैं चलो जितनी कंप्लीट हो गया ना वो बैग वगैरह बंद करो, भाई ले जाते हैं। भाई के आने तक हमने दोनों बैग वगैरह पैक करके साइड पे किए, साथ में जितना भी हमारा सामान था जो हाला लोगों का था और साथ में कदम वो सारा जो हमने खुद भी लेके जाना था, जो सिर्फ के बैग में नहीं था ला के करना, बॉक्स वैसे ही जाने थे, उनको हमने सारा साइड पे लगाया बैग के साथ ताकि जो है ना ये सारा सामान जो है ना वो चला जाए हमें। तो अभी जो है ना हम बैग वगैरह पैक ही कर रहे थे, तो ये हमें और शादी का कार्ड, क्योंकि मेरे एक और कज़न की शादी है, एक कज़न की शादी ख़त्म होनी है तो दूसरे जो है ना स्टार्ट हो जानी है, जिस दिन उनकी वलीमे की होगा उसे नेक्स्ट डे जो है ना उनकी मेहंदी थी, तो जो है ना इस तरह से दो शादियाँ मिक्स होगी। पहले दोनों की एक ही डेट पे रखी जा रही थी, फिर जब पता चला कि उन्होंने भी वो डेट रख लिया इस वजह से फिर चेंज हो गई, फिर एक की ख़त्म होनी थी तो दूसरे की जो है ना शादी स्टार्ट हो जानी थी। तो यहाँ पे जी शादी का एक और कार्ड आ गया था, दो शादियाँ एक साथ हम खाएंगे, तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। भाई आए थे उन्हें पानी वगैरह पिलाया, तब मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, फिर जब कार्ड आए थे वो खोल के मैं देख रही थी तब वीडियो, क्योंकि पहले मैंने ऑन की हुई थी, इस वजह से जो है ना मैंने कार्ड वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर दिए
कि एक शादी से अब जो है ना हमने नेक्स्ट शादी पे जाना है, वो भी मैं सारी उसकी भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। इसलिए आप लोगों ने डेली के डेली जो है ना हमारी वीडियो वॉच करनी है। यहाँ पे दी हमारे दोनों बैग हो चुके हैं रेडी चिन्नू मिनू से। ये एक हमारा जूतों वाला था और दूसरा जो है ना बैग जो है ना ज्वेलरी और बैगों वाला था, वो हम भेज देंगे। साथ में यहाँ पे जितना भी आपको सामान ये वाला इस साइड पे नज़र आ रहा है ना, ये सारा सामान चला जाना है। सिर्फ हमारे पास ये वाला बैग रह जाएगा और ये वाला बैग रह जाएगा। एक के अंदर आप ही ने अशर फातिमा के और भाई के कपड़े किए थे, एक के अंदर जो है ना हमारे कपड़े आएंगे। तो ये जितना भी सामान आपको मैं अब दिखा रही हूँ ना, ये वाला सारा हमने भाई के हाथ भेज देना, साथ में बैग भी हमारा हमने भाई के हाथ भेज देना। फिर नेक्स्ट डे जो है ना हम भी चले जाएंगे। आगे की जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। बस यहीं तक थी जी मेरी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा याद रखें, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।